दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि घर पर प्लास्टिक पिरो ट्रे पर मिर्च के पौधे आप किस प्रकार तैयार कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाई जब प्लास्टिक पिरो ट्रे पर घर पर नर्सरी तैयार करते हैं तो कई प्रकार की तमाम समस्याएं आती हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है कि आप घर पर कैसे पौधे तैयार कर सकते हैं मिर्च के नर्सरी तैयार करने के लिए, यानी नर्सरी प्रिपरेशन पर हमारी यह फुल वीडियो रहने वाली है। तो प्लास्टिक प्रो ट्रे पर कोकोपेट खाद पर आप कैसे घर पर ही इजीली तरीके से हरे भरे और रेशेदार जड़ों युक्त कैसे नर्सरी पौधे तैयार कर सकते हैं जिसमें सूखे ना, मुरझाए ना, और यदि आप मिर्च की खेती कर रहे हैं तो एक एकड़ पर सिंगल लाइन पर कितने पौधे की आवश्यकता पड़ने वाली है, कितनी नारियल की खाद लगेगी और साथ ही कितनी हमको वर्मी कंपोस्ट लगाना है और आगे चल के पौधे सूखे ना, मुरझाए ना, फंगस ना आए, तो उसके लिए हमको कौन से ज़रूरी काम करने हैं और बीमारी डिजीज़ भी आते हैं, बढ़वा ठीक तरीके से हमारी नर्सरी नहीं ले पाती है, तो तमाम समस्याओं की जानकारी, जो तमाम प्रकार की समस्याएं आती हैं, तो उन सभी का समाधान प्रबंधन इस वीडियो के माध्यम से हम शेयर करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए भाई शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है, हमारा उद्देश्य है कि घर पर कैसे तैयार करें पौधशाला। तो चलिए शुरू करते हैं। नर्सरी तैयार करने के लिए जो सबसे सरल और आसान विधि है, सबसे पहले समझते हैं आवश्यक सामग्री की, कौन कौन सी आवश्यक सामग्री की ज़रूरत पड़ने वाली है प्लास्टिक प्रो ट्रे, क्योंकि हम प्लास्टिक प्रो ट्रे पर नर्सरी तैयार कर रहे हैं। तो 104 होल्स वाली प्लास्टिक की जो ट्रे आती हैं उनकी आवश्यकता पड़ेगी, साथ ही हाइब्रिड सीड्स की आवश्यकता पड़ेगी, इसके अलावा जो नारियल की खाद है कोकोपेट खाद की आवश्यकता पड़ेगी, वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता पड़ेगी, और एक फफूंदनाशक हम लेने वाले हैं जो कि कार्बेंडाजम और मैंगोजेब हो, जिससे कि एक फफूंदनाशक है आगे चल के फंगस ना आए, तो फफूंदनाशक भी लेंगे। साथ ही मल्चिंग पेपर लगेगा थोड़ा बहुत कवर करके, क्योंकि जो हीट है गर्माहट पैदा उत्पन्न होगी तो उससे क्या होगा कि जल्दी जर्मिनेशन होगा, तो मल्चिंग पेपर कवर करने के लिए आवश्यकता अनुसार ज़रूरत पड़ेगी। और साथ ही आगे चल के जो पीलापन आ गया तो एनपीके घुलनशील खाद 19-19-19 की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा कुछ कीट, कुछ फंगस आते हैं तो उसके लिए हम इमीडा क्लोरपेड या फिर नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे, और फपून नाशक पर हम एक नॉर्मली सी सस्ती सी और बढ़िया काम करने वाली कार्बेंडाजम मैंगोजेब युक्त जो फपून नाशक आती है उसका छिड़काव करने के लिए एक फपून नाशक की आवश्यकता पड़ेगी। ट्रैप भी हम लगाएंगे, जो एलो विलू ट्रैप आते हैं इनको नर्सरी में लगाने से कीट पतंगे नहीं आते हैं। और सिंचाई के लिए वाटर कैन या फिर हैंड जो स्प्रेयर आता है उसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। एक जरूरी सूचना और कि जिस प्रकार हम विधि बताएंगे 100% बीज अंकुरित होंगे और आपको बीज उपचार करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप हाइब्रिड सीड्स का चुनाव कर रहे हैं तो बीजों को उपचार करने की ज़रूरत नहीं है, और मात्र जो हम आपको विधि बताएंगे, मेथड बताएंगे हाइब्रिड जो पौधे हैं उनको तैयार करने के लिए, हाइब्रिड सीड्स पौधे तैयार करने के लिए मात्र 25-28 दिन पर हमारी नर्सरी एकदम स्वस्थ और हरी भरी तैयार करके हम लाइव डेमो बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो पर बने रहिए, और साथ ही रूटों का, क्योंकि जो जड़ें हैं जब तक अच्छी जड़ों का विकास नहीं होगा तो हमारा पौधा मजबूत नहीं रहेगा, तो कीट इंसेक्ट भी आते हैं, तो इन सभी की जानकारी के लिए वीडियो पर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं कि आगे का जो नेक्स्ट स्टेप है हमको सबसे पहले क्या करना है। तो हमको मिश्रण बनाना है, क्योंकि हम कोकोपेट खाद और पूरा मिश्रण को भरकर हम कोकोपेट प्लास्टिक प्रो ट्रे पर हम पौधे तैयार करने वाले हैं। तो आवश्यक सामग्री पर 15 किलोग्राम नारियल की खाद की हमको आवश्यकता पड़ेगी। 15 किलोग्राम हम नारियल की खाद यानी कोकोपेट खाद, जो नारियल की खाद है 17-18 रुपए केजी के हिसाब से आप 5 केजी 8 केजी की जो सिल्ली आती है उसको ले आइए, और जब भी आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो उस सिल्ली को पानी में डुबोकर रख दीजिए 2-3 घंटों के लिए, फिर उसके बाद वापस से आप निकाल लीजिए, और वर्मी कंपोस्ट मिक्स करना है 15 किलोग्राम नारियल की खाद और उसके साथ वर्मी कंपोस्ट 10 किलोग्राम। अब वर्मी जो कंपोस्ट है 9-10 रुपए केजी मिल जाती है, तो 10 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट भी लेना है, और इसके साथ एक फपून नाशक लेना है जो कार्बेंडाजम और मैंगोजेब दोनों हों, 50-60 ग्राम हम
इस मिश्रण पर यानी 15 किलोग्राम नारियल खाद, 10 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट और 50 से 60 ग्राम साफ फफूंदनाशक, इन तीनों को ठीक तरीके से पहले मिक्स कर लेना है। और आपको ध्यान रखना है, जो आप नारियल की खाद की सिल्ली ला रहे हैं उसे पहले पानी पर डुबो लीजिए, यानी पर्याप्त मात्रा पर जो मिश्रण है उसमें नमी होना चाहिए। उसके बाद जो मिश्रण है इतने ठीक तरीके से मिलाइए कि जो हम फफूंदनाशक को मिला रहे हैं वो नारियल की खाद वर्मी कंपोस्ट पर ठीक तरीके से चिपक जाए। इसके बाद हमको करना क्या है, आइए जानते हैं। जो आप देख रहे हैं यह है प्लास्टिक प्रो ट्रे, 104 होल्स वाले भी आप ला सकते हैं, बड़ी और छोटी भी आप ला सकते हैं। सबसे पहले जो आपने मिश्रण तैयार किया है इसको आपको जो प्रो ट्रे हैं इन पर भर देनी है। प्रो ट्रे पर भरने के बाद आप एक काम कर सकते हैं कि उंगली से कुछ इस प्रकार आपको 2 से 3 सेंटीमीटर का गड्ढा करना है, उंगली की सहायता से जो आप वीडियो पर देख रहे हैं कुछ आपको इस प्रकार गड्ढा कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको एक एक बीजों की जो हाइब्रिड बीज है बीजों को उपचार करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, और हम जो मिश्रण है उसको ही हमने उपचारित कर दिया है तो काफ़ी अच्छा अंकुरण और जर्मिनेशन होने वाला है। उसके बाद हमको एक एक बीजों की बुआई कर देनी है। जैसे ही हम एक एक बीजों की बुआई प्लास्टिक प्रो ट्रे पर कर देते हैं उसके बाद इसी मिश्रण से एक लेयर और ऊपर से हमको ढक देना है कुछ इस प्रकार। ठीक तरीके से सावधानी पूर्वक आपको जो सीड्स है ज़्यादा डेप्थ ना हो, ज़्यादा गहराई पर आपको बुआई नहीं करनी है, आप अधिकतम 1 से 2 सेंटीमीटर की गहराई पर आपको सीड्स की बुआई करनी है। उसके बाद एक लेयर फिर से मिश्रण की आपको कुछ इस प्रकार जमा कर भर देनी है। उसके बाद क्या करना है कि जो आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो जो भी आपकी प्लास्टिक की प्रो ट्रे हैं उनको आप 10-10 करके 10-10, 15-15 करके आप एक काम कर सकते हैं कि मल्चिंग पेपर पर कवर करके कुछ जो आप इस प्रकार मल्चिंग पेपर देख रहे हैं, जी हाँ ये वही मल्चिंग पेपर है जो खेतों पर लगाया जाता है। तो मल्चिंग पेपर कवर करने से क्या फ़ायदे होते हैं आइए जानते हैं। मल्चिंग पेपर कवर करने से आपने देखा होगा कि ठंडियों के दिनों पर नर्सरी हमारी कुछ ज़्यादा ही टाइम लेती है जर्मिनेशन में, तो मल्चिंग पेपर कवर करने से फ़ायदा क्या होता है कि जैसे आपने बुआई की उसके बाद मल्चिंग पेपर कवर करने से हीट गर्माहट जनरेट होती है, उससे अंकुरण में बहुत ही जल्दी अंकुरित होते हैं और एकदम अंधेला अंधेला पर जो अंकुरण है उसकी क्षमता बढ़ जाती है। तो गर्माहट हीट उत्पन्न होती है तो उससे जो सीड्स है जल्दी अंकुरित हो जाता है। इसके बाद हमको मिर्च की जो हाइब्रिड वैरायटी होती हैं उनको मल्चिंग पेपर पर कितने दिन तक कवर करके रखना है, देखिए अंदर हवा नहीं जानी चाहिए, कम से कम 3 से 4 दिन तक आप इस प्रकार कवर करके रख दीजिए। अब हमारी नर्सरी जो प्लास्टिक की प्रो ट्रे हैं कवर किए हुए 4 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इन जो प्लास्टिक की प्रो ट्रे हैं इन ट्रे को एक शेड नेट खींचने वाले हैं या नेट हाउस बनाने वाले हैं या फिर आप जो ग्रीन नेट आती उसको भी आप खींच सकते हैं। कुछ इस प्रकार का आपको जो झोपड़ी है जो तंबू देख रहे हैं इस प्रकार आपको तंबू बना लेना है। इससे क्या होगा कि बरसात भी होती है तो पानी नहीं जाएगा, अधिक धूप नहीं लगेगी, अधिक हवा नहीं लगेगी, यानी आवश्यकता अनुसार जितनी पौधों की आवश्यकता है उतने ही जो अंदर का क्लाइमेट से वातावरण है वो हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि ग्रीन नेट है, तंबू है या फिर झोपड़ी है कुछ इस प्रकार आप खींच कर जो प्लास्टिक की प्रो ट्रे हैं उनके अंदर आप रख दीजिए। उसके बाद एक दो दिन के अंतराल पर आपको आवश्यकता अनुसार सुबह शाम आपको सिंचाई करना चाहिए। काफ़ी अच्छा जर्मिनेशन हुआ है और आप देख सकते हैं 8 दिनों पर हमारे पौधे इतने बड़े हो चुके हैं, काफ़ी अच्छी बढ़वार है। दोस्तों अब हमारी नर्सरी 16 दिन की हो चुकी है, कहीं कहीं पर थोड़ा सा हल्का फुल्का फंगस का प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है और साथ ही कीटों का प्रकोप भी देखने के लिए मिल रहा है। इसमें हमने फेरोमोन ट्रैप को लगा रखा है और हमारी नर्सरी 16 दिन की हो गई है। अब हम इस पर नीम ऑयल का स्प्रे करने वाले हैं। नीम ऑयल और यदि कीटों का प्रकोप भी दिख रहा है तो इमीडा क्लोरपिट का आप स्प्रे कर सकते हैं।
अब हमारी नर्सरी 25 दिन की कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी शानदार बढ़वार है, एकदम जो पौधे हैं हरे भरे हैं और काफ़ी अच्छा जड़ों का विकास हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि मात्र 25 दिनों पर हमने एकदम स्वस्थ नर्सरी तैयार कर ली है। यदि आप भी कुछ इस प्रकार नर्सरी तैयार करते हैं तो अधिकतम 25 से 28 दिन पर इस प्रकार तैयार यदि करके, जो हमने विधि बताई है, जो आपको मेथड बताई है, इस मेथड से यदि आप स्प्रे प्रॉपर करते हैं, प्रॉपर नीम ऑयल की स्प्रे लेते हैं, फेरोमोन ट्रैप को लगाते हैं, तो यकीन एक बात मान लीजिए कि एकदम स्वस्थ नर्सरी तैयार होगी। और एक एकड़ पर यदि हम सिंगल लाइन पर प्लांटेशन करते हैं मिर्च की, तो 8000 पौधे की हमको आवश्यकता पड़ने वाली है। इस प्रकार यदि आप घर पर नर्सरी तैयार करते हैं तो कोई भी खर्च नहीं आएगा। मान लीजिए नारियल की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, और जो सीड्स है, क्योंकि सीड्स तो आपको लाना ही पड़ेगा, और प्लास्टिक की जो प्रोटीन है, इतना कुल खर्च आने वाला है। और स्पेशल सिंचाई पर आपको आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना चाहिए, और जब पौधे लगभग 4 से 5 इंच के हो जाएं तब हमको ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। यदि आप इस प्रकार नर्सरी तैयार करते हैं तो मात्र 25 से 28 दिन पर स्वस्थ हरी भरी रेशेदार जड़ों युक्त नर्सरी आप घर पर ही कम लागत पर, कम खर्च पर तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार यदि आप सिंगल लान पर प्लांटेशन करते हैं एक एकड़ पर, तो 8000 के आसपास हमको पौधे की आवश्यकता पड़ने वाली है। यदि आप सिंगल लान पर प्लांटेशन कर रहे हैं तो ये मान लीजिए कि आप 8000 पौधे या थोड़ा सा 500 पौधे आप ज़्यादा भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि प्लांटेशन करने के बाद कुछ समस्या ज़रूर आ जाती है। तो प्लांट्स कुछ सूख जाते हैं, कुछ मर जाते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा बैकअप के रूप में कुछ 150 पौधे आप ज़्यादा ही तैयार करें। और जी हाँ दोस्तों, आपको डोज और बता देते हैं कि जो हमने नीम ऑयल का स्प्रे किया था, 1 लीटर पानी में 2 ml, और इमीडा क्लोरपिड हमने 17.8% का जो स्प्रे किया था वो 1 लीटर पानी में 1 ml की दर से स्प्रे किया था। और बीच में यदि पीलापन की समस्या भी आ जाती है तो 1 लीटर पानी में 3 ग्राम 19-19-19 घुलनशील खाद का भी स्प्रे कर सकते हैं। तो इस प्रकार यदि आप नर्सरी तैयार करते हैं तो मात्र 25 से 28 दिनों पर स्वस्थ हरी भरी और रेशेदार जड़ों युक्त नर्सरी तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पर हमने मिर्च की नर्सरी किस प्रकार तैयार की जाती है A to Z संपूर्ण जानकारी शेयर की। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।